दोस्तों आदर्श बिजनेस की पहचान शायद यही है जिसमें कम पैसे लगे और मुनाफा अधिक हो। तो आज की वीडियो में भी आपको एक ऐसे ही आदर्श बिजनेस की जानकारी मिलने वाली है जिसे आप कुछ हज़ार में शुरू करके लाखों कमाई कर सकते हैं। तो कैसे वो बिजनेस शुरू होगा कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी मशीन है, इस मशीन को दोस्त कहते हैं कुरकुरे पफ आइटम मेकिंग मशीन। तो इस मशीन के माध्यम से दोस्त आप एक दो नहीं कम से कम 10 तरह के आइटम पफ आइटम का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि आप कुरकुरे का निर्माण कर सकते हैं, पोला का निर्माण कर सकते हैं, स्टार का निर्माण कर सकते हैं, पट्टी का निर्माण कर सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ का प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपके मार्केट में ज़्यादा चलता हो उस हिसाब से आप इस मशीन के माध्यम से आप प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगर कच्चा माल की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टुकड़ा है आपका मक्के का, छोटा छोटा टुकड़ा है। तो मक्का जो साबुत मिलता है उसको इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील करना होगा सबसे पहले, तो इस हिसाब से इसका भी माल आप तैयार कर सकते हैं। और दूसरी है यहाँ पर है आपका चावल, तो मक्का हो या तो फिर चावल हो या तो फिर मूंग का दाल हो, चने का दाल हो, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। और अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से जो चल रहा है इस मशीन के माध्यम से, कि इस मशीन के माध्यम से कैसे प्रोडक्शन होता है कुरकुरे का। शुरुआत कुरकुरे से होती है, तो कुरकुरे का निर्माण कैसे होता है वो आप देख पा रहे होंगे। और आपको बता दें कि ये छोटी सी मशीन एक घंटा में 25 किलो प्रोडक्शन देने में सक्षम है। कुरकुरे तो देख रहे हैं, उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे पोला कितनी लंबाई है, पोले की टूट नहीं रहा है, कितनी आसानी से निकालने में सक्षम है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे मक्के का भी पोला बन रहा है, चावल का भी पोला बन रहा है और रंगीन चावल का भी पोला बन रहा है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं एक और प्रोडक्ट यहाँ पर है, वो है पट्टी। तो पट्टी का कैसे निर्माण हो रहा है, डाई फिटिंग से लेकर के सारा निर्माण आपको दिखाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, वो आप देख पा रहे होंगे। तो इतने सारे प्रोडक्ट का निर्माण मात्र एक मशीन से पॉसिबल है दोस्त, और छोटी सी मशीन है आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग इस पर कहेंगे कि ये जो पफ आइटम वाली जो मशीन है फेल बिजनेस है, तो फेल बिजनेस नहीं है दोस्त, करने का तरीका फेल होता है, सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि जो हमारे यहाँ से मशीन लेकर जाए और फेल हो। जो सिस्टम बना हुआ है दोस्त उसी के अनुसार आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बोलती है कि भले छोटी सी मशीन है देखने में लेकिन ये जो इसका मोटर है काफ़ी बड़ा है, यानी कि 7.5 HP के मोटर से चलेगी तो चलेगी। अगर आप दिमाग लगाएंगे अपना और बोलेंगे कि नहीं भाई हम 5 HP से चलाएंगे, सिंगल फेज 5 HP मोटर से चलाएंगे, तो भैया ये आपका प्रोडक्शन देने में सक्षम नहीं होगी, एक जर्रा बराबर भी आपको प्रोडक्शन यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अगर निकलेगा तो 7.5 HP से निकलेगा, 3 फेज कनेक्शन वाली से निकलेगा, या तो फिर अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है भाई मेरे, तो आप डीजल इंजन या तो पेट्रोल इंजन से भी संचालित कर प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब देखने इतने सारे प्रोडक्ट का तो निर्माण हो चुका है दोस्त, और अब बात करते हैं इसके कोटिंग की। जो मार्केट में आप देखते होंगे बहुत सारे फ्लेवर के कुरकुरे या पफ आइटम, जो स्वाद जो आता है दोस्त उससे नहीं आता है, नमक और मिर्च से नहीं आता है, वो एक स्पेशल मसाला होता है उससे आता है, और जो आप देख पा रहे होंगे ये फ्लेवर मसाला इससे आता है। तो ये इसकी कोटिंग की जाती है और साथ ही नमक और मिर्च डाला जाता है, और साथ में जो कुरकुरे आइटम है उसमें जो पफ आइटम है उसमें मसाला चिपके इसके लिए ये तेल का इस्तेमाल होता है। तो तेल के रूप में आप मूंगफली का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सोयाबीन का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सस्ती तेल होगी, जो खाने वाला सस्ता तेल होगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये मिक्सर है, इसी में आप अभी फ़िलहाल कोटिंग का काम चल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट यहीं से निकलेगा और उसके बाद फिर आप इसकी पैकिंग करें। तो पैकिंग कर पे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि नहीं इसमें तो नाइट्रोजन पैकिंग नहीं होगा तो फिर माल खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, विदाउट नाइट्रोजन की भी पैकिंग हो सकती है और उसकी भी लॉन्ग लास्टिंग जो है लगभग 2.5 से 3 महीना होती है। तो 2.5 से 3 महीना में आराम से आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, जब आपकी मशीन चलेगी, प्रोडक्ट निकलेगा, आप मार्केटिंग करेंगे, माल आपका बिकेगा, तो पैसा तो आना ही आना है। जब पैसा आए तो फिर आप न्यूमेटिक या FFS मशीन लगा लीजिए, उसी से बेहतर पैकिंग भी होगा, अपना ब्रांड खुद का बना लीजिए। तो चलिए बहुत सारी बात तो मेरे द्वारा आपकी हुई है, अब चलिए इस कंपनी के ओनर जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, विनायक मशीन जो गुजरात वडोदरा में स्थित है, जिनके ओनर हैं अंकित सर, तो उनसे कुछ बात करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है विनायक मशीन में। तो अभी हमारे भाई वीडियो के माध्यम से देखे कि इस मशीन के माध्यम से कैसे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, कुरकुरे का निर्माण कैसे होता है, स्टार का निर्माण कैसे होता है, पोला का निर्माण कैसे होता है,
पट्टी का निर्माण कैसे होता है, और साथ ही इन्होंने देखा भी कि कैसे फिटिंग होती है, कैसे डाई की फिटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी फंसते हैं कि भाई डाई फिटिंग करने नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान इस मशीन में है। कोई भी बंदा, नया बंदा भी थोड़ा सा उसको अगर जानकारी दे दिया जाए तो आसानी से इस मशीन के माध्यम से इस मशीन में डाई की फिटिंग कर सकता है, प्रोडक्शन ले सकता है। तो एक और सवाल है सर, जो आपसे मैं जानना चाहूँगा और हमारे भाई भी जानना चाहेंगे, इस तरह के बिजनेस की शुरुआत हमारे भाई कैसे करेंगे? जी सर, आप देख सकते हो कि हमारा मशीन काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट है। जो पहले के बड़े बड़े मशीन आते थे, कुरकुरे के बड़े बड़े प्लांट आते थे, इसमें बहुत ज़्यादा ही आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा अपनी पूंजी खर्च करनी पड़ती थी। ये वैसा नहीं है, छोटा सा प्लांट है, छोटी सी मशीन है, घर लेके जाइए, शुरुआत कीजिए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास बिजली का पावर नहीं है, थ्री फेज नहीं है, तो वो भाई अपना इंजन लगा के भी शुरू कर सकते हैं। इंजन आप खेतों में जो होंडा का इंजन आप लगाते हैं, पेट्रोल या डीजल से जो चलता है, उस इंजन से भी आपको इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मशीन जैसे आपने देखा, पूरा फिटिंग हमने आपको समझाया, मशीन चालू करके दिखाया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक पढ़ा लिखा नहीं भी हो बंदा, या जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं भी जानता है, वो बंदा भी इसको ले जाके, वो इंसान भी ले जाके इसको अपने आप से चला सकता है। सिर्फ है कुछ नहीं, आपको चावल और मक्के से मटेरियल बनाना है, उसको मसाला करना है और पैक करके मार्केट में देना है। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो नंबर दिए गए, आप उन पर कॉल कीजिए, आपको सारी चीज़ें विस्तार में समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी, आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाया जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। यानी कि जो भाई आपके पास आएंगे मशीन परचेज करने के लिए, तो A to Z जानकारी से उनको लैस कर दिया जाएगा? जी जी, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, मशीन को चलाना कैसे, फिटिंग कैसे करना है, कई मशीन में अगर दिक्कत आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ यहाँ पे लाइव उनको उनके हाथों से करके दिखाया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि हमको आपको फिटिंग समझाएंगे और मशीन आपको दे देंगे, चलाना सिखा देंगे, पर आपको मशीन को मटेरियल को बना हुआ कुरकुरे पोला आपको पैक कैसे करना है, मसाला कैसे करना है, और मार्केट में बेचना कैसे है, कितने में आप बेच सकते हो, होलसेल को देना है, रिटेल में देना है, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। यानी कि जो अनवन पर्सन भी आएंगे तो यहाँ से एकदम बिल्कुल पारंगत होकर के जाएंगे, जो ये बिजनेस पहली बार कर रहे हैं, जो इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनको उद्योग की सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, मसाला कैसे मिलेगा, कौन सा मसाला लगाना है, कितना लगा सकते हो, कितना नहीं लगाना है, कैसे पैकिंग करना है, सारा सब कुछ हम यहाँ पे आपको समझ। मशीन तो आप सर दे देंगे, ट्रेनिंग भी आप दे देंगे, जो मसाले, जो फ्लेवर वाले मसाले हैं, वो कहाँ से हमारे भाई लेंगे? कितने तरह के मसाले आते हैं सर इसमें? जी जी, काफ़ी सारे तरह के मसाले आते हैं। मसाले के लिए भी व्यूअर्स को, कस्टमर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मसाले अगर उनको नहीं मिल रहे तो वो सारे मसाले भी हम आपको उपलब्ध करवा के देंगे, सब उपलब्ध हो जाएगा। जी जी सर। तो ये जो मशीन है, जो अभी आप लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं हमारे भाई को, और वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बड़ोदरा गुजरात से, देश के कोने कोने से सर आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये मशीन अगर वो परचेज करना चाहें तो कैसे परचेज करेंगे, क्या तरीका है परचेज करने का, और कहाँ कहाँ आप उसको भिजवा सकते हैं? देश के कोने कोने तक सर हम आपका ये मशीन भिजवा सकते हैं। दर्शक अगर चाहे तो हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं, ऑफिस से लेके भी जा सकते हैं, अगर वो नहीं आना चाहते तो ये मशीन हम उनके घर तक भी भिजवा सकते हैं। आप अपने ऑफिस का कंप्लीट पता हमारे भाई को बताइए सर। जी, हमारा ऑफिस गुजरात वडोदरा में है, ऑफिस की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर्स आपको दिए गए, वहाँ से आपको लाइव लोकेशंस भी मिल जाएंगे, ताकि अगर आप आते हो तो मैप के थ्रू आप आ सकते हो। स्टेशन अगर बड़ोदरा स्टेशन से आप उतर रहे हो तो वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का है, एक ऑटो पकड़ के सीधा आप हमारी कंपनी पे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी दूर से आए दर्शकों को जानकारी देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने सुना अंकित सर की सारी बातों को, तो जो भी किंतु परंतु होगा इस मशीन के संबंध में ख़त्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।